सुशील रिंकू जी बड़ी जो जीत दर्ज की है, ठीक है, ज़्यादा वोटों पर, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो जलंधर के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि जो विश्वास उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर किया, वही विश्वास पर किया, सो हम सबका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं विश्वास जाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने सुशील कुमार को यहाँ से एम पी बनाया, हम उनके विश्वास को पूरा करेंगे, उनकी जो पहल के आधार पर जो समस्याएं उन्हें हल करेंगे। आज सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले मन में हुआ होगा कि जो फैसला है लोगों का, मतदान किया लोगों ने, तो लग रहा था कहीं ना कहीं जो ये एक मुकाबला जो, क्योंकि पता कांग्रेस और आप में चल रहा था, कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि कांग्रेस और आपके बीच में मुकाबला है, लेकिन जब हम सुबह मतलब उठे तैयार शुरू किए तो हमने एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहा और साथ में ये कहा कि हम जीतेंगे आज, मतलब ये शब्द कहकर हम दोनों अपने अपने रूप में आ। तो अभी तो सुशील रिंकू ही जीत गए, अब आगे यहाँ से क्या प्रोग्राम है, कहाँ लेके जाया जाएगा, क्या पार्टी के जो लोग हैं वो कहाँ एकत्रित हो रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अभी बाहर जो हमारे जिन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किए, मेहनत की है इतनी गर्मी में, आप पहले तो उन लोगों से मिलना है क्योंकि बाहर वो काफ़ी भीड़ है, और फिर उसके बाद घर में मदर है, बेटा है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, पहले घर जाएंगे फिर उसके बाद। अभी जैसे बाहर काफ़ी समर्थक इकट्ठे हुए हैं, जश्न का माहौल बनाया जा रहा है, तो अब इनको जो वहाँ पे भेजा जाएगा लोकसभा सांसद के लिए, तो कैसा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि एक बड़ी जो जीत दर्ज की है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सांसद सबसे बड़ी पोस्ट है एमपी की, तो लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ सुशील रिंकू को सांसद बनाया हो, उस विश्वास को कबूल। सुशील रिंकू जी बड़ी जो जीत दर्ज की है, ठीक है, ज़्यादा वोटों पर, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले तो जलंधर के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि जो विश्वास उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर किया, वही विश्वास पर किया, सो हम सबका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं विश्वास जाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने सुशील कुमार को यहाँ से एम पी बनाया, हम उनके विश्वास को पूरा करेंगे, उनकी जो पहल के आधार पर जो समस्याएं उन्हें हल करेंगे। आज सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले मन में हुआ होगा कि जो फैसला है लोगों का, मतदान किया लोगों ने, तो लग रहा था कहीं ना कहीं जो ये एक मुकाबला जो, क्योंकि पता कांग्रेस और आप में चल रहा था, कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि कांग्रेस और आपके बीच में मुकाबला है, लेकिन जब हम सुबह मतलब उठे तैयार शुरू किए तो हमने एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहा और साथ में ये कहा कि हम जीतेंगे आज, मतलब ये शब्द कहकर हम दोनों अपने अपने रूप में आ। तो अभी तो सुशील रिंकू ही जीत गए, अब आगे यहाँ से क्या प्रोग्राम है, कहाँ लेके जाया जाएगा, क्या पार्टी के जो लोग हैं वो कहाँ एकत्रित हो रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अभी बाहर जो हमारे जिन्होंने हमारे लिए दिन रात एक किए, मेहनत की है इतनी गर्मी में, आप पहले तो उन लोगों से मिलना है क्योंकि बाहर वो काफ़ी भीड़ है, और फिर उसके बाद घर में मदर है, बेटा है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, पहले घर जाएंगे फिर उसके बाद। अभी जैसे बाहर काफ़ी समर्थक इकट्ठे हुए हैं, जश्न का माहौल बनाया जा रहा है, तो अब इनको जो वहाँ पे भेजा जाएगा लोकसभा सांसद के लिए, तो कैसा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि एक बड़ी जो जीत दर्ज की है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सांसद सबसे बड़ी पोस्ट है एमपी की, तो लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ सुशील जी को सांसद बनाया हो, उस विश्वास को कबूल।